लौकिक प्रयोजन हो सांसारिक प्रयोजन हो तो वहां पर मिथ्यात् के नाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग साहब पुण्य की बात नहीं करते, मिथ्यात् के पीछे पड़े हैं। तो पुण्य सांसारिक प्रयोजन है, पुण्य क्या है? सांसारिक प्रयोजन। संसार में जिन्हें घूमना हो, चार गति में रुलना हो, स्वर्ग नरक में घूमना हो, उनके लिए पुण्य पाप करना चाहिए, पुण्य पाप में अटकना चाहिए। लेकिन जिन्हें मोक्ष मार्ग चाहिए, जिन्हें सिद्धालय में विराजमान होना है, जिन्हें मुक्त होना है, जिन्हें संसार का नाश करना है, जिन्हें मोह का नाश करना है, जिन्हें शाश्वत सुखी होना है, जिन्हें अनंत सुखी होना है, ऐसे जीवों को मिथ्या दर्शन का ही नाश करना चाहिए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए कोई मिथ्या दर्शन के पीछे जानबूझ के पड़े हैं ऐसा नहीं है, प्रयोजन के कारण पड़े हुए हैं। कोई जीव ऐसा कहे कि हमें अभी संसार में रहना है, हमें मोक्ष मार्ग में नहीं लगना है, हमारे लिए क्या उपदेश है? भैया तुम्हारे लिए उपदेश है कि तुम खूब पूजा पाठ भक्ति में लगे रहो, खूब कमाने में लगे रहो, घूमने में लगे रहो, यही है और क्या है। कि नहीं साहब मुझे संसार से थकान लगती है, मैं अब थक गया काम करते करते, मुझे अब संसार में दोबारा लौट के नहीं आना है। तो भैया फिर मिथ्या दर्शन का नाश करने का उपाय करो, यही उपाय सम्यक उपाय है। हमें कोई पुण्य से चढ़ है, हमें कोई क्रियाकांड से चढ़ है ऐसा नहीं है। हमें क्या मतलब है? क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान क्रिया से सुलभ है यह आत्म अभिराम। अब वो क्रियाकांड से मिलता होता तुम कह देते, लेकिन भाई वो आत्मा की क्रिया से ही मिलता है, वेद ज्ञान से ही मिलता है। ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताके मोए महात्म नाही, ज्ञान अभ्यास करे जो उसके मोह नाश होता है। ज्ञान अभ्यास क्या है? अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा देखना, ऐसा ही श्रद्धान करना और वैसा ही अनुभव करना, ये ज्ञान अभ्यास। अपने को शरीर वाला देखना, संयोग वाला देखना, रागी द्वेषी देखना, रागी द्वेषी अनुभव करना, ऐसा ही श्रद्धान करना, ये है अज्ञान का अभ्यास, ये है मिथ्यात्। तो अनादिकाल से अज्ञान के अभ्यास करने के कारण चार गति 84 लाख योनि का जन्म मरण चल रहा है। देखो कितनी गजब की बात, जो लोग कहते हैं साहब अविद्यात के अकेले नाश करने से क्या होगा, देखो कितना साफ साफ लिखा टोडामल जी साहब ने। और ये टोडामल जी साहब ने नहीं लिखा, क्योंकि इस जगत में ऐसे भी मूर्ख हैं वो कहते हम पंडितों का लिखा नहीं मानेंगे। मूर्खों की कमी थोड़ी है संसार में। अरे तुम ना पंडितों की लिखी मानोगे, ना तुम आचार्यों की लिखी मानोगे, तुम किसी की लिखी मानोगे ही नहीं। हमें पता है अंदर घोर अहंकार भरा पड़ा हुआ है, इसलिए बहाने खोजते हैं पंडितों की लिखी नहीं मानेंगे। अरे तुझे सत्य चाहिए ही नहीं है, तुझे तो सत्य के नाम पर आडंबर चाहिए। ख्याल में आया? तुझे सत्य नहीं चाहिए, पंथ चाहिए, संप्रदाय चाहिए, आडंबर चाहिए, झंडा चाहिए, क्रिया चाहिए, वस्त्र चाहिए, ड्रेस कोड चाहिए, क्या चाहिए बोलो? नाचना गाना चाहिए, मंदिर चाहिए, संस्था चाहिए, संगठन चाहिए। ख्याल में धर्म किसे चाहिए, आत्मा किसे चाहिए? आज तक जगत में जितने भी ज्ञानी हुए, किसी ज्ञानी ने ये घोषणा नहीं करी कि मैं ही अकेला ज्ञानी हुआ हूँ और आज तक दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, ऐसा कहा किसी ज्ञानी ने? जितने भी ज्ञानी हुए किसी ज्ञानी ने कोई पंथ संप्रदाय नहीं चलाया, किसी ज्ञानी ने कोई मंदिर नहीं बनवाया। ये तो उनके नाम पर उनके नीचे चलने वालों ने सब काम चालू किया। वे तो यही समझाते रहे कि व्यक्ति को नहीं पूजना है, अपनी अपनी आत्मा को पूजना है। और हमने क्या किया, जिसने ये बताया हमने उसी को पूजना चालू कर दिया और उसके नाम से पंथ चलाया। पंथ कैसे चलता है?
अपनी कुछ क्रियाएं अलग कर ली दुनिया वालों से, अपना ड्रेस कोड अलग कर लिया, अपने उठने बैठने के तरीके बदल लिए, अपने क्रियाकांड के तरीके बदल लिए, फोटो लगा ली, समझे है ना, उस व्यक्ति की जिसके नाम पे ओपन से चलाना है, उसके कुछ बाहरी रूपक पकड़ लिए और चालू, बस फिर जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अरे भाई, ये तुम जिन गुरुदेव की जय जय बोल रहे हो, ये तुमसे क्या कह के गए ये पता है? कह रहे वो क्या मतलब है, वो सत्य जानते थे। अरे वो जानते थे तो कि हम तो बस इसलिए मानते कुछ नहीं, अपने अहंकार को पुष्ट करते। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन शाखा फलाना नगर, शाखा फलाना नगर, शाखा फलाना नगर, ये संगठन बनाते कि नहीं बनाते? संगठन बना के इकट्ठे हो जाते हैं, अपने को फिर ताकतवर अनुभव करते हैं, फिर संस्था बनाते, फिर मंदिर बनाते, फिर मंदिर के मालिक बनते हैं, और वे सोचते हैं ये सब धर्म कर रहे हैं हम, ये हम काय के लिए कर रहे हैं, हम तो धर्म के लिए, अरे धर्म के लिए नहीं करता जी, ये सब कसायों के पोषण के लिए करता। क्यों 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 नहीं, क्यों नहीं धर्म क्यों नहीं है? अरे साफ साफ, इसमें धर्म होता तो ज्ञानी ना करते सब काम, ज्ञानी एकांत में काय को जाते हैं, क्या है वो पढ़ते हैं ना, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वन चारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम, तत्वों का चिंतन करते हो, करते तप सैल नदी तट पर, तरु तल वर्षा की जड़ियों में, समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। मुनिराज ज्ञानी धर्मात्मा तो इस जगत के चक्करों से दूर रहते हैं, और जो ये जगत के चक्करों में फंसे हुए हैं वे तो अज्ञानी हैं, वे कोई ज्ञानी नहीं है, चाहे भले ही वे कुछ भी कहते रहे। जी समझने लायक है, ज्ञानी ज्ञानी चौथे गुणस्थान वाला भी होगा। कौन से गुणस्थान वाला कह रहा हूँ? चौथा वाला कह रहा हूँ। अपना घर परिवार पालता है, आजीविका करता है, फिर भी वो इन मंदिर गुरुद्वारों में नहीं उलझेगा, ये बनवाने में नहीं उलझेगा। फिर उससे कोई कहेगा भी कि तुम घर तो चलाते हो, कि घर चलाता हूँ, ये सब नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इनमें कोई धर्म है नहीं, घर तो मेरी मजबूरी है, ये तो मेरे फंस गई जिम्मेदारी, लेकिन ये जबरदस्ती की जिम्मेदारी क्यों ओढ़ूं? कि नहीं साहब, घर की जिम्मेदारी ले सकते हो तो मंदिर की ले लो, और पड़ोसी की ले लो, और कहीं की ले लो। अगर जिम्मेदारी लेने से धर्म बढ़ता हो तो मदर टेरेसा कहाँ चली गई होगी? है धर्म संगठन में नहीं, धर्म संस्था में नहीं, धर्म मंदिर में नहीं, धर्म पूजा में नहीं, धर्म स्वाध्याय, धर्म तो आत्मा में, वो तो आत्मा के आश्रय से आएगा। ये भाई अरे साहब ऐसा मत बोलो, अरे भाई हम मोक्ष मार्ग के सामने बोल रहे हैं, हमारा अन्यथा कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। अगर आपका कोई और प्रयोजन हो तो हम उपदेश बदल देंगे। बदल देंगे कि नहीं? उपदेश कितने तरह के होते हैं, करोड़ों तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? आपने कोई बीमारी की चर्चा करी तो उपदेश कैसा दिया जाएगा, इस बीमारी का इलाज ये? आपने अपने बच्चे के कैरियर की बात करी तो उपदेश कैसा दिया जाएगा, ऐसे बनाओ, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे करो। आपने भोजन सामग्री की बात करी तो उपदेश कैसा दिया जाएगा, भोजन का बनाने का उपदेश। आपने विधान की बात करी, उपदेश कैसा दिया जाएगा, ऐसे विधान करो, ऐसे मानना लगाओ। आपने यहाँ स्वाध्याय भवन में जब प्रवेश किया तो आपने क्या कहा कि हमें मोक्ष मार्ग समझाओ, तो काय की चर्चा चलती है, मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग में पुण्य हे है, ये सुनना पड़ेगा। अगर हाँ, अगर तुम चाहे तो नहीं सा, हमें पुण्य हे नहीं सुनना, तो फिर ये बोलना बंद करो कि हमें मोक्ष मार्ग की चर्चा सुननी है।
फिर ये बोला करो हमें पुण्य की चर्चा सुननी है, हमें संसार में देवगति में कैसे जाए, करोड़पति कैसे बने, वो लिखे रहते ना रोड पे, हैं रोड पे बसों में लिखे रहते वसीकरण मंत्र, पढ़े के नहीं पढ़े, नीचे मोबाइल नंबर डला रहता है और उसमें लिखा रहता है वसीकरण मंत्र, किसी की संपत्ति हड़पना हो, कोई तुम्हारी संपत्ति ले गया हो, कोई कोई किसी से प्रेम हो, शादी नहीं हो रही हो, मैंने जो आदमी की कुंठित वासनाएं होती हैं तो उनको छाप देते हैं और नीचे मोबाइल नंबर, ऐसे मूर्ख है जाते हैं उनके पास। मैं पहले बहुत सोचता था यार कोई ऐसा पागल भी होता क्या इनके पास जाता होगा, लेकिन जो छोटे छोटे शहरों में जाओगे तो और ज्यादा मिलेगा, यूपी की तो बस में बैठ जाओ तो यही मिलता है, समझ गए नहीं समझ में आप, क्योंकि जहां जितना अज्ञानता भरी पड़ी होगी वहां ऐसे चलता है। तो भाई उपदेश कई तरह का है, उपदेश कई तरह का है, इसलिए भैया यहाँ मोक्ष मार्ग की बात चलती है, इसलिए क्रिया कांड को पुण्य को ये कहते हैं। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम ऐसा समझा करो कि हमें मोक्ष मार्ग पसंद नहीं है,